ईरान से मिले कामिकाजी ड्रोन से यूक्रेन को कैसे रूस ने पहुंचाया भारी नुकसान। ईरान से रूस की ड्रोन की सप्लाई पर अमेरिका ने क्या कहा। और यूक्रेन में डैम टूटने के बाद हजारों लोगों पर बड़ा संकट आया। विध्वंसक जंग से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखिए महायुद्ध टॉप लाइन। वॉर जोन में रूसी फौज का एक टैंक यूक्रेन की ओर से बिछाई माइनफील्ड की चपेट में आ गया। माइनफील्ड की चपेट में आने से रूसी टैंक धमाके के साथ तबाह हो गया। वॉर जोन के कई इलाकों में दोनों देशों की सेनाओं पर माइंस बिछाने के आरोप लग रहे हैं, जिससे दोनों देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फील्ड वॉर में ज्यादा नुकसान होने के बाद एक बार फिर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हवाई हमले और ड्रोन अटैक ज्यादा करने शुरू कर दिए। वॉर जोन से रूस के कामिकाजी ड्रोन से हमले का वीडियो सामने आया। रूस ने ड्रोन अटैक से यूक्रेनी फौज के बहुत बड़े कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। रूस में कामिकाजी ड्रोन का प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ईरान की ओर से सैकड़ों ड्रोन मॉस्को पहुंचाए गए हैं। ये दावा व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने किया है। अगले 2-3 दिनों में रूस की यूक्रेन पर अब तक की सबसे बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की योजना है। वर्ल्ड वॉर के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका ने रूस के खतरनाक जंगी प्लान का खुलासा किया है। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यह दावा किया गया है कि जल्द ही रूस में ईरानी ड्रोन कामिकाजी का प्रोडक्शन शुरू होगा। ईरान इसके लिए रूसी साइट पर पार्ट्स मुहैया करा रहा है। रूसी फौज पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिले हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना रही है। वॉर जोन में रूसी सेना ने जर्मनी से यूक्रेन को मिले IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम को हमला कर तबाह कर दिया। इस एयर डिफेंस सिस्टम की कीमत करीब 17 मिलियन यूरो थी। हमले का वीडियो रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया। मिसाइल हमलों से यूक्रेन का ओमान शहर थर्रा उठा। रूस की मिसाइलों ने ओमान की सुपरमार्केट को तहस नहस कर दिया। तस्वीरों में मिसाइल अटैक के बाद सुपरमार्केट में तबाही का मंजर दिखाई दिया। वुल्हेदर में रूसी कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन की छापामार ब्रिगेड ने गुरिला अटैक कर दिया। यूक्रेनी सैनिक अचानक रूस की सैन्य पोस्ट पर गोलियों की बौछार करने लगे। कई घंटे चली गनफाइट में कई रूसी सैनिक मारे गए। यूक्रेन के काखोवका डैम के तबाह होने के बाद आसपास के इलाकों में रहने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डैम टूटने से कई इलाके पानी में डूब गए। पानी के घिरे इलाकों में रहने वाले करीब 50,000 लोग खतरे में हैं। लोगों को रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर डैम को उड़ाने के आरोप लगाए हैं। काखोवका डैम के तबाह होने के बाद आसपास के इलाकों में भारी तबाही मची है। ड्रोन कैमरे से बनाए गए वीडियो में तबाही के कई निशान दिख रहे हैं। इलाके के 30 गांव कस्बों में 2,000 से ज्यादा घर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। काखोवका डैम से निकले पानी में 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन भी डूब गई है।